हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू GoHash.in। आप सबको बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट दिन था आज इंडिया के लिए, जहां पर आपको बताते हैं कि लोकसभा के रिजल्ट्स आज आ गए। लोकसभा के रिजल्ट्स में आपको बताते हैं कि मामला काफी टक्कर का चल रहा था, एनडीए वर्सेस इंडिया। शुरुआत के ट्रेंड से एनडीए लीड कर रहा था, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं छुटा और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों के बीच में ये कंटेस्ट चल रहा। मामला ऐसा आ गया कि बीजेपी जो है खुद से कुल बहुमत नहीं बना पाया, यानी कि मैजिक फिगर जो आता है 272 का, उसने वो अचीव नहीं किया है। और एनडीए यानी कि जिसके उसके अलायंस हैं, उनके साथ मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 240 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीट जीते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी 37 और त्रिमूल कांग्रेस 29 और ऐसे कई सारे अलग अलग पार्टीज के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एनडीए का अगर टोटल बता दें आपको तो 292 सीट्स एनडीए के आ रहे हैं और इंडिया की अगर बात करें तो 232 सीट्स आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा चेंज मिला, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, वहां पर इंडिया का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा। ऐसे कई जगहों पर इंडिया ब्लॉक ने अपना इंप्रूवमेंट किया है। और अब आपको बता दें कि जो बात आपको मैं सुनाने जा रहा हूं वहां पर यह है कि हालांकि एनडीए के पास अब मेजोरिटी है, लेकिन कुछ भी ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी हेडेड बाय चंद्रबाबू नायडू की बात चल रही है इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन वो एनडीए के अलाई है, यानी एनडीए के साथ उन्होंने टाई अप किया है, तो वो उन्हें छोड़कर आएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा। साथ साथ नीतीश कुमार जो बिहार से हैं, उन्होंने भी जो है बातचीत उनकी लगी है इंडिया ब्लॉक के, काफी सारे लोग उनसे बात कर रहे हैं साथ देने के लिए। अगर ये दोनों पार्टीज अगर साथ छोड़ते हैं एनडीए का यानी बीजेपी का, तो हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक की गवर्नमेंट भी बन सकती है। तो मामले बहुत ओपन अप है, ये कॉम्पिटिशन बहुत ही वास्ट रहा है और हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले आप बता दें कि राहुल गांधी ने जीत हासिल की है रायबरेली से और साथ ही साथ वायनाड से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमेठी से स्मृति ईरानी को हराए हैं किशोर लाल नेशनल कांग्रेस से। डॉक्टर सीएन मंजुनाथ भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु रूरल से जीत हासिल की है और यहां के डीके सुरेश को उन्होंने हराया है। हासन डिस्ट्रिक्ट जहां पर प्रज्वल रेवाना थे वहां पर श्रीयस एम पटेल ने जीत हासिल की है। सबसे यंगेस्ट एमपी माने जाएंगे सागर ईश्वर खंडरे, जो कि बिदर कांस्टिट्यूंसी से जीत हासिल की है। गुलबगास से एआईसीसी के प्रेसिडेंट के दामाद और ब्रदर इन लॉ राधाकृष्णा ने जीत हासिल की है। असद नवेसी एमआईएम के चेयरपर्सन ने भी हैदराबाद से जीत हासिल की है। कंगना रनौत ने भी अपनी जीत हासिल की है मंडी से। उसके अलावा से कई सारे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं जो हम आपको इमेजेस के थ्रू दिखा चुके हैं। बने रहिए GoHash के साथ ताकि हम आपको दें सारे अपडेट्स और इंडिया ब्लॉक और एनडीए का क्या होने वाला है वो भी अपडेट्स आपको हमारे साथ हम देते रहेंगे।